आज हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जिमनोसपम्प्स को कंटिन्यू करेंगे तो इज़ इन द पार्ट सेकेंड ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पम्प्स वी विल स्टडी अबाउट इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कल हमने बात की थी जिम्नोसपम्प्स का जो ओरिजिन हुआ है वो किन से हुआ है मैंने बताया था कि ये मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है जिम्नोसपाम्स का और एक स्पेशल ग्रुप ऑफ प्लांट्स से ये ओरिजिनेट हुए हैं और वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स का नाम है प्रोजिम्नोस्पाम्प्स जिनसे जिम्नोस्पाम्प्स ओरिजिनेट हुए हैं और इन्हें टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पाम्प्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है और ये जो प्रोजिम्नोस्पाम्प्स हैं इन प्रोजिम्नोसपाम्स के जो तीन ऑर्डर्स मैंने आपको कल बताए थे उसमें से जो बीच वाला ऑर्डर है दैट इज़ एन्यूरोफाइटिल्स इन एन्यूरोटिल्स से जिम्नोस्पाम्प्स ओरिजिनेट हुए हैं और दो डायरेक्शन में इनका इवोल्यूशन हुआ पहली डायरेक्शन में इनसे कोक डेवलप हुए और दूसरी डायरेक्शन में इनसे कोनीफेयर डेवलप हुए और बचे हुए बाकी के जिम्नोस्पाम्प्स विकसित हुए ओरिजिन के बाद में हम आ गए थे जिम्नोसम्स के इवोल्यूशन पे और इवोल्यूशनरी पार्ट के अंदर हमने जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स देखे थे वो हमने उसकी मॉर्फोलॉजी में उसकी एनाटमी में और उसके वेस्कुलर सिस्टम में जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स थे उनको हमने स्टडी कर लिया था ये मॉर्फोलॉजी के ट्रेंड्स थे जब मैंने बताया था कि unbranched stem is a primitive character and branched stem with dimorphic branching is a advanced character leaves bhi pehle megaphyllus विकसित हुई थी और इवोल्यूशन के दौरान इनका साइज रिड्यूस होता गया और लीव्स का साइज रिड्यूस होके लीव्स कैसी रह गई माइक्रोफिलस टाइप ऑफ लीव्स रह गई एनाटमी में कोई इवोल्यूशनरी ट्रेंड नहीं था और वेस्कुलर सिस्टम में जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड हमने देखा था कि प्राइमरी वुड जो थी जो जो वो जिम्नोसपम्प्स जिनके अंदर प्राइमरी वुड ज़्यादा थी वो प्रिमेटिव थे और जिनमें सेकेंडरी वुड ज़्यादा थी वो एडवांस जिम्नोसपम्प्स थे जिनमें पत्तियों की संख्या स्टेम के ऊपर कम थी यानी वेस्कुलर सिस्टम जो था या वेस्कुलर सिलेंडर जो था वो मोर कोलाइन था वो प्रिमेटिव थे और मोर फोलियर जो थे वो एडवांस करेक्टर्स थे सिर्फ ट्रेकिट्स वाले जिम्नोस्पाम्स जो थे जिनमें जैलम के अंदर ट्रेकिट्स पाई जाती थी वो प्रिबेटिव जिम्नोस्पाम्स थे और वो जिम्नोस्पाम्स जिसके अंदर ट्रेकिट्स के साथ वेसल्स भी मौजूद थी वो एडवांस जिम्नोस्पाम्स थे आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पाम्स में उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स जो देखने में आए उनकी हम बात करते हैं तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो विकसित हुए जिम्नोस्पाम्स में उसमें कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैज टेकन प्लेस और वो इवेंट्स क्या थे उसको हम सबसे पहले आज स्टडी करेंगे इनिशियली जितने भी जिम्नोस्पाम्स जो थे वो सारे के सारे जिम्नोस्पाम्स कैसे थे स्टैक्यो स्पर्मस टाइप स्टैक्यो स्पर्मस माने स्टेक्योज माने एक्सेस स्पर्मा माने सीड यानी yani, जिनके एक्सेस के ऊपर डायरेक्टली सीड्स विकसित होते हैं या ओव्यूल्स लगे होते हैं वो स्टैक्यो स्पर्मस टाइप के जिम्नोस्पाम्स होते हैं और अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सेस पे लगे हैं तो वो स्पर्मस कहलाते हैं तो शुरू में जितने भी जिम्नोसप्स विकसित हुए उन सभी जिम्नोस्पाम्स जो थे वो स्टेक्यू स्पर्मस टाइप के थे लेकिन जो इवोल्यूशन जब हुआ तो उस दौरान इस तरह की संरचनाएं विकसित हुई जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो थे वो पत्ती नुमा संरचनाओं के ऊपर वो लगे हुए थे तो इस तरह से ये जो पत्ती नुमा संरचनाएँ थी या जिन्हें स्पोरोफिल्स कहा गया जो स्पोर बियरिंग लीव्स जो थीं उन्हें स्पोरोफिल कहा गया तो इस तरह से वो स्पोरोफिल्स जिन पे सीड्स लगे होते हैं इस तरह के जिम्नोस्पाम्स कहे गए फिल्लोस्पर्मस सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या हुआ फिल्लोस्पर्मस टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स डेवलप हुए फिर इसके बाद जो टेरिडोस्पर्म्स से उसमें देखा गया कि जो लीफ लाइक -like स्पोरोफिल्स या फिलोस्पर्म्स जो टेरिडोस्पर्म्स आर बेसिकली फिलोस्पर्मस लेकिन इनके अंदर जो स्पोरोफिल्स थे वो लूज थे उन्होंने कॉम्पैक्ट अरेंज होकर के कोन लाइक -like संरचनाएं नहीं बनाई थी लेकिन विकास के दौरान इस तरह के कॉन्स डेवलप हुए जिनके अंदर जो स्पोरोफिल्स थे वो कॉम्पैक्टली अरेंज थे और इस तरह से कॉन्स का विकास हुआ तो शुरू में स्टैक्योस्पर्मस जिम्नोसपम्प थे बाद में फिल्लोस्पर्मस जिमनोसपम्प्स थे डेवलप हुए विकास के दौरान और इसी तरह से स्पोरोफिल्स का विकास हुआ टेरिडोस्पम्प्स में देखा गया कि ये जो स्पोरोफिल्स थे वो लूज अरेंज थे उन्होंने कौन लाइक संरचनाएं नहीं बनाई थी लेकिन विकास के दौरान ये पत्ती नुमा संरचनाएँ जो थीं पे स्पोरेंजिया लगे हुए थे ये पत्ती नुमा जो हैं कॉम्पैक्टली अरेंज होकर के इन्होंने कॉन्स विकसित किए और उसके बाद कॉडिटेल्स वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस मोनोस्पोरेंजिएट कोन्स यानी यूनिसेक्सुअल कोन्स यानी पहले जो कोन्स विकसित हुए वो मोनोस्पोरेंजिएट कोन्स या यूनिसेक्सुअल कोन्स विकसित हुए जिसमें सिर्फ एक ही तरह के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट थे लेकिन बाद में जो एडवांस जिम्नोस्पाम्स थे उन एडवांस जिम्नोस्पाम्स के अंदर जो कॉन्स विकसित हुए उसके अंदर दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स लगे हुए थे तो इस तरह के कोन्स जो हैं वो बाईस्पोरेंजिएट कोन्स कहलाए तो इनिशियली मोनोस्पोरेंजिएट कोन्स जो डिटेल्स में रिपोर्ट किए गए और उसके बाद बाईस एक्सुअल कोन्स या बाईस्पोरेंजिएट कोन्स जो देखे गए वो नीटेल्स के अंदर देखे गए तो ये माना गया कि मोनोस्पोरेंजिएट कोन्स से ही बाद में बाई स्पोरेंजिएट कोन्स विकसित हुए तो दीज आर सब इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अमंग जिम्नोस्पर्म्स इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो सबसे पहला जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिन्हें माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं या लघु बीजाणु धानियाँ लगी होती हैं उनकी उनमें क्या रिप्रोडक्ट इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखने में आए तो ये आपको जो इमेज नजर आ रही है यहाँ पे ये माइक्रोस्पोरोफिल है साइकस का और ये माइक्रोस्पोरोफिल जो है इट इज़ अ पिनेट पेल्टेड टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल जिसके अंदर इसकी लोअर सरफेस के ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया के क्लस्टर्स नजर आ रहे हैं गुच्छे नज़र आ रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं सोराई कहते हैं तो प्रेजेंस ऑफ सोराई ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द पिनेट और पेल्टेड टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ साइकेट इज अ प्रिमेटिव कैरेक्टर और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन व्हाट हैपेंड देर इज़ अ रिडक्शन इन साइज ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल और कितना रिड्यूस हुआ इतना रिड्यूस हुआ कि वो एक शॉर्ट डिस्कॉइड स्ट्रक्चर के जितना बचा रह गया इट इज़ अ एडवांस करेक्टर और उसके ऊपर जो माइक्रोस्पोरेंजिया थे उनकी संख्या भी लिमिटेड हो गई विद और वो अलग अलग माइक्रोस्पोरेंजिया गए यू कैन सी

दूसरी चीज जो माइक्रोस्पोरेंजियम में देखी गई कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे उसकी जो वॉल थी उसके अंदर जो एन्यूलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे जो फर्न की तरह उसको अपेयरेंस देते थे वो स्ट्रक्चर्स जो हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एलिमिनेट हो गए तो ये तो करेक्टर्स थे माइक्रोस्पोरोफिल्स के जो इवोल्यूशन के दौरान उनमें क्या चेंजेस देखे गए क्या इवोल्यूशनरी ट्रेंड उनमें देखे गए अब हम बात करेंगे ओव्यूल्स के अंदर क्या इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखे गए जिम्नोसप में तो दो इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखे गए पहला जो यूनिटेग्मिक ओव्यूल थे उसमें जो आउटर फ्लैशी लेयर पाई जाती थी वो डिजेनरेट हो गई तो डिजेनरेशन ऑफ आउटर फ्लैशी लेयर ये पहला इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखा गया और दूसरा इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखा गया अपियरेंस ऑफ टू इंटेग्यूमेंट्स यानी पहले ओव्यूल था उसके बाद बाईटिक ओव्यूल्स देखे गए तो दो इंटेग्यूमेंट्स का अपियरेंस या विकसित होना एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड था ओव्यूल के केस में या मेगास्पोरेंजियम के केस में अब हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड की ओव्यूल्स के तो प्रिमिटिव से एडवांस करेक्टर की ओर हम चलेंगे तभी हम उसके इवोल्यूशनरी ट्रेंड को स्टडी कर पाएंगे तो दिस इज अ यूनिटैगमिक ओव्यूल तो मैंने अभी आपको बताया कि यूनिटैगमिक ओव्यूल का पाया जाना ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है नीचे दिस इज़ अ यूनिटैगमिक ओव्यूल जिसके अंदर आउटर मिडिल और इनर फ्लैशी लेयर्स पाई जाती हैं तो ये जो ओव्यूल है ये यूनिटैगमिक ओव्यूल है ओके okay? बीज का पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये न्यू है तो इंटेग्यूमेंट एक ही है पर उसमें लेयर्स कितनी है तीन है तो यूनिटैगमिक ओव्यूल इज अ प्रिमेटिव करेक्टर एंड बाइटेग्मिक ओव्यूल इस तरह का जो ओव्यूल जिसमें दो इंटेग्यूमेंट्स दिस इज आउटर इंटेग्यूमेंट एंड दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट तो इस तरह से दो इंटेग्यूमेंट्स का पाया जाना ये बाइटैगमिक ओव्यूल बनाता है तो प्रेजेंस ऑफ यूनिटैगमिकवियूल इज़ अ प्रेमेटिव करेक्टर एंड बाईटैगमिक ओव्यूल इज़ अ एडवांस करैक्टर जो कि नीटेल्स के अंदर नीटेल्स जो है नीटोपसिडा का सबसे इवोल्ड ऑर्डर है तो नीटोपसिडा सबसे इवोल्ड सॉरी uh, आपका क्लास्क uh, कहलाती है जिसके तीन ऑर्डर्स हैं नीटेल्स वेलविशियल्स एंड एफिड्रेल्स तो बाईटैगमिक ओव्यूल्स आप नीटेल्स में भी देख सकते हैं आप एफिड्रेल्स में भी देख सकते हैं तो ये नीटोप्सिडा इज अ इवोल्ड ऑर्डर जो कि अपनी एफिनिटी किससे शो करता है एनजियोस्पांप्स से तो यूनिटैगमिकिमेटिव बाईटैग्मिक ओव्यूल इज़ अ एडवांस करेक्टर दूसरी चीज इंटेग्यूमेंट तो अगर न्यूसेलस से फ्री है तो यह प्रिमेटिव करेक्टर है अगर फ्यूज है तो यह एक एडवांस करेक्टर है तो जो सीड विकसित होगा वो अगर न्यूसेलस से फ्री है तो वो मेड्यूलोसान टाइप ऑफ सीड होगा और अगर पूरा न्यूसेलस से फ्यूज है इंटेग्यूमेंट तो वो लाइजिनोप टेरिट टाइप ऑफ सीड विकसित होगा तो मेड्यूलोसान टाइप ऑफ सीड्स आर साथिटिव As compared to lignopteric type of seeds, that are advanced seeds. इसके बाद हम यूनिटेगमिक जो तीन लेयर्स होती हैं आउटर मिडिल और इनर यू नो you know, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आउटर एंड इनर लेयर्स आर फ्लैशी द आउटर फ्लैशी लेयर इज वेरी थिक इट इज अटिव कैरेक्टर but during the course of evolution what happened you can see in conifers maine aapko bata chuki hu jab maine pinus padhaya tha ki jo outer fleshy layer hoti hai it is very thin in conifers kaisi hoti hai thin ho jati hai bahut reduce ho jati hai aur uske baad formation of one more layer yani white एग में कोव्यूल है और साथ में फिर एक और अगर लेयर विकसित हो जाती है ओव्यूल के बाहर ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ ब्रैक्ट एंड आउटर लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट तो ये एक एडवांस करेक्टर है जो कि आपके नीट ऑप सेट्स के मेम्बर्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं एफिड्रा में भी मैंने आपको बताया था कि ब्रैक्ट जो है वो आउटर लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट के साथ फ्यूज हो जाते हैं और एक और एडिशनल लेयर बना लेते हैं तो इट इज़ अ एडवांस करेक्टर अब हम बात करेंगे जो मेगा स्पोरेंजियम होता है उसमें क्या इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखने को मिलते हैं या ओव्यूल जो हम बात कर रहे थे तो उस ओव्यूल में जो मेगा स्पोर्स आप सभी को मालूम है कि जिम्नोसप्स में टोटल चार मेगा स्पोर्स डेवलप होते हैं जिसमें से एक जो है फंक्शनल बचा रहता है तीन डी होते हैं तो प्रेजेंस ऑफ वन फंक्शनल मेगा स्पोर इज़ अ एडवांस करेक्टर जो कि ऑलमोस्ट सभी लिविंग जिम्नोस्पम्प्स में आपको देखने को मिलेगा लेकिन दे आर सर्टेन एक्सटिंग जिम्नोस्पम्प जिस जैसे आर्क्योप्टेरिस था जिसके अंदर नंबर ऑफ मेगा स्पोर्स जो थे वो बहुत सारे थे इट इज़ अ प्रिमेटिव करेक्टर और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वॉट हैपन यू कैन सी आर्क्यूस्पर्मा में कितने आपको मेगा स्पोर्स देखने को मिले थे चार ये मैं इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको सीरीज ऑफ टेरिडोस टेरिडोस्पर्म ओव्यूल्स आपको बताए थे जिसमें मेगा स्पोर्स की संख्या किस प्रकार से रिड्यूस हुई उसके बारे में आपको बताया था तो बहुत सारे मेगा का पाया जाना प्रिमेटिव कैरेक्टर है और एक फंक्शनल मेगा स्पोर का पाया जाना एडवांस करेक्टर है फिर उस मेगा स्पोरेंजियम के चारों ओर क्यूप्यूल का पाया जाना जो आपके फॉसिल जिम्नोस्पम्प से उसमें क्यूप्यूल क्यूप्यूलर कॉम्प्लेक्स आपको एल्केंजिया में और आर्कियोस्पर्मा आर्नोल्डाई में मैंने बताया था जब मैंने इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बताया था तो इस तरह के

जो आपके जो फीमेल कोन जो विकसित हुए उसके अंदर जो ओव्यूल के नीचे जो स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए जो आपने पाइनस में देखे थे कि दो तरह के स्केल आपको देखने को मिले थे वन इज ब्रैक्ट स्केल दिस इज अ ब्रैक्ट स्केल और दूसरा जो है ओव्यूलीफेरस स्केल तो प्रेजेंस ऑफ ओव्यूलीफेरस स्केल इज ए एडवांस करेक्टर ये क्या है एडवांस करेक्टर है दूसरा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेडुलोसन सीड्स आर प्रमेटिव करेक्टर एंड लाइजिनोप्टेरिट टाइप ऑफ सीड्स आर एडवांस करेक्टर तो जो मेड्यूलोसन सीड्स होंगे जिसके अंदर न्यूसेलस जो है इंटेग्यूमेंट से फ्यूज नहीं होगा टोटली सिर्फ आधार से जुड़ो होगा जुड़ा होगा उसके अंदर चूँकि माइक्रोपाइल भी नहीं होगी और साथ में उसके अंदर दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसे कहा गया एक तो पोलन चैम्बर जिसे लेजिनोस्टोम कहा गया और साथ में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स जो कि टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो माइक्रोपाइल की जगह जो आभास देने वाली माइक्रोपाइलर ओपनिंग थी या रूडिमेंट्री माइक्रोपाइल जिनमें थी मेडुलोसन सीड्स में उसमें ये सेल्पिंग लाइक स्ट्रक्चर्स उस रूडिमेंट्री माइक्रोपाइल पे मौजूद थे जो पॉलन ग्रेन्स को या माइक्रोस्पोर्स को लाइज में धकेलने का काम करते थे तो ये एक प्रिमिटिव करेक्टर है लेकिन जो लाइजिनोपटेट टाइप ऑफ सीड्स थे उसमें दो ट्रेंड देखे गए एक वो लाइजिनोपटरिट सीड्स जिसके अंदर पॉलन चैम्बर पाया गया वो एक प्रिमेटिव करेक्टर है लेकिन देर आर सर्टन लाइजनोटेरिट चीज जो कि एडवांस जिम्नोसपम्प्स में देखने को मिलते हैं जिसके अंदर पोल चैम्बर जो है वो नहीं पाया जाता है एबसेंस ऑफ पॉलन चैम्बर इज़ देअर इट इज़ अ एडवांस करेक्टर जो कि देखने को मिलता है टैक्सेल्स में तो इट इज़ अ एडवांस्ड जिम्नोस्पाम तो ये ये कुछ ऐसे एवोल्यूशनरी ट्रेंड थे जो उसके ओव्यूल में और माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने देखे माइक्रोस्पोर और फिल्म में हमने देखे इसके बाद हम इस इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इन माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पाम्प्स ओके दैट्स ऑल अबाउट माय टूडेज लेक्चर थैंक यू